जो लोग अच्छा खासा पहले फिटनेस में थे, अब एकदम से उन्हें घर बैठना पड़ा। ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम ही था, तो घर से ही खाना, वहीं बैठना, वहीं सोना, बॉडी फैट परसेंटेज तो बढ़ा ही है, साथ में बीमारियां भी हो गई हैं। और अब जैसे ही जिम खुले, मैं तो 5 अगस्त से ही जिम आ गया था, और मैंने उसके बाद संडेज के अलावा किस दिन जिम मिस नहीं किया। एक अच्छी रूटीन शुरू हो गई, आप घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैं आउटगोइंग हूँ और मेरे जैसी बहुत से लोग हैं जो आउटगोइंग हैं। एक बाहर निकलना, लोगों से मिलना, बात करना, आपका एक माइंड फ्रेश हो जाता है। वर्किंग आउट इन द जिम यू नो हेल्प्स अस इंक्रीज आवर मेटाबॉलिज्म, आवर स्ट्रेंथ, आवर स्टैमिना, फोकसिंग मोर ऑन यू नो गेटिंग अस लीन, टोन डाउन, एंड बेसिकली इट रियली हेल्प्स मी डी स्ट्रेस। जो वेट इंक्रीज है, मसल मास इंक्रीज है, वो जिम जाकर ही होगा। और जब आप जिम करते हैं तभी आप एक अच्छे रूटीन में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट पे भी तभी जाते हैं। ओवरऑल द होल रूटीन रियली हेल्प्स मी कंडीशन माय बॉडी बिकॉज आई हैव टू वर्क एक्सटेंसिवली फॉर लॉन्ग आवर्स, स्टे अवेक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर माय बॉडी, इट विल यू नो द वर्कआउट रूटीन्स इन द जिम रियली हेल्प मी पैक अ लॉट ऑफ स्टैमिना इन मी सो दैट आई कैन रियली वर्क लॉन्ग आवर्स। जिम आने का जो एक बेनिफिट रहता है सबसे बड़ा, वो एक ये भी होता है कि वहाँ पर ट्रेनर्स होते हैं आपको बताने वाले कि सर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा वर्कआउट सही है। इट कुड बी कार्डियो, इट कुड बी वेट ट्रेनिंग, इट कुड बी क्रॉस ट्रेनिंग, इट कुड बी यू नो रिजॉर्टिंग टू डांस फॉर्म्स और मे बी ज़ुम्बा और मे बी एरोबिक्स, एनीथिंग कुड रियली हेल्प यू आउट इन दीज टाइम्स। एंड यू नो लॉट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस मेजरली मोस्ट ऑफ अस वुडंट हैव बीन एबल टू डू ड्यूरिंग द लॉकडाउन एट होम मैनेजिंग बोथ फैमिली एंड आवर ओन सेल्फ। जिम वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स, फ्रीक्वेंट जो फ्यूमिगेशन होती है, बाकी आपके ऑक्सीजन चेक लेवल्स, ब्लड के टेम्परेचर चेक्स जिम्स में सबसे ज़्यादा हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान सबसे ज़्यादा है। सो लेट अस नो थ्रू द सर्वे कि आपको कौन सा एक्सरसाइज फॉर्म अच्छा लगता है, वेदर यू लाइक कमिंग टू द जिम और यू लाइक वर्किंग आउट, या आपको कोई ऑल्टरनेट फॉर्म मिल गया एक्सरसाइज करने का। और उसके लिए आप नीचे दिए गए एक लिंक दिया है हमने, एक सर्वे फॉर्म है, उस पर क्लिक कीजिए, पार्टिसिपेट करके हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि आपकी फिटनेस रूटीन्स और लाइफस्टाइल्स कैसे चेंज हुई हैं, और जिम्स के खुलने के बाद खासकर क्या आप लोगों ने जिम्स वापस आने के बारे में सोचा है, या अभी भी आपने जो लॉकडाउन के दौरान नई फिटनेस रूटीन डेवलप की हैं आप उन्हीं पे कंटिन्यू रख रहे हैं खुद को। उसको खोलिए, उसको भर के हमें सेंड कीजिए, उससे हमें एक्चुअल आप लोगों के व्यूज के बारे में भी पता लगेगा। डू लेट अस नो। इट रियली फील्स गुड टू बी बैक टू द जिम।